हेलो वन, वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं सुखेंदु और आप सभी को इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको दिन भर मिलेगा फिल्म वर्ल्ड से अपडेट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, रिएक्शंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दिन भर शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। इस साल की हाईएस्ट एंटीसिपेटेड मूवी जवान, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है, मतलब 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। और इस फिल्म के अंदर इंडिया की मोस्ट सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी जिसका नाम है शाहरुख खान, वो मौजूद है। इसके साथ ही इस फिल्म के अंदर कई सारे तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी स्टार्स मौजूद है, और जिनमें से एक ऐसे स्टार्स है जिसको आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिनेमा लवर है, अगर आप फिल्म लवर है, तो आपको मालूम होगा कि ये जो एक्टर है ये एक कमाल का एक्टर है और इनका नाम है विजय सेतुपति। जवान रिलीज होने से पहले मैं विजय सेतुपति के कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे कमाल का लगा और ये मस्ट वॉच है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन फिल्मों को ज़रूर देखिए। चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि वो कौन सी फिल्म है विजय सेतुपति स्टारर जिसको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर वन, सेतुपति। ये एक फुल मसाला एंटरटेनर मूवी है। इस मूवी के अंदर विजय सेतुपति एक टफ पुलिस ऑफिसर के भूमिका में नज़र आ रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर के ही खून के इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके चलते वो एक पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लेता है और कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाता है, यही है मूवी का प्लॉट। मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। नंबर टू, कावान। ये एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर विजय सेतुपति एक रिपोर्टर के भूमिका में नज़र आएंगे। लाइव टीवी में कोरप्ट पॉलिटिशियन को पोल खोलने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाता है और मीडिया और उसके ब्लैक साइड को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, इसी के ऊपर है ये मूवी। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। ज़बरदस्त मूवी है। नंबर थ्री, सुडू काबूम। ये एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन के बेटे को किडनैप कर लेता है और फिर होती है असली खेल। फिल्म के अंदर कॉमेडी इतने अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि एंटरटेनमेंट फुल ऑन। एक बहुत बढ़िया कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की हिंदी डब जो वर्शन है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और उसका नाम है रमी द ग्रेट गैम्बलर। 2013 की मूवी है ये। नंबर फोर, पुड़ियाथा पुथिर। ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जहाँ एक कपल रहता है, कथिर और मीरा। मीरा अचानक से कुछ प्राइवेट वीडियोस रिसीव करती रहती है। कौन ये सब कर रहा है, क्या गोल है उनका, यही है इस मूवी का प्लॉट। इट्स अ डिसेंट वॉच मूवी, 2017 में आई थी। नंबर फाइव, अंधवन कट्टालाई। गंथी बाहर देशों में जाना चाहता है जिसके लिए वो नकली पासपोर्ट बनाता है और नकली पासपोर्ट में एक फेक स्पाउस का नाम भी डाल देता है और वो उसी नाम के लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये फिल्म एक रोम कॉम जॉनर की फिल्म है, लेकिन टिपिकल रोम कॉम बिल्कुल नहीं है, कॉमेडी भरपूर है। बहुत ही अच्छी एक मूवी है, 2016 की मूवी है, ज़रूर देखिए। नंबर सिक्स, थेनमार्कू पुडुवा कट्टरू। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। विजय सेतुपति जिस गांव में रहता है उनके पास वाली गांव की एक लड़की से उसका प्यार हो जाता है, लेकिन सेतुपति के परिवार से मानते नहीं। क्या है उसका वजह जानने के लिए इस मूवी को ज़रूर देखिए। ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। और अब आखिर में कुछ ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में जिक्र करूँगा कि जिसके डिटेल में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो सारे फिल्म्स या सीरीज़ है ये शायद ही ऐसे लोग होंगे जो नहीं देखा है। अगर आपने इनमें से एक भी मूवी या सीरीज़ नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पहले इस वाले मूवी या सीरीज़ को देखिए, फिर बाद में जो पहले बताया उनको देखिए। नंबर वन, 96 रोमांटिक ड्रामा मूवी 2028। नंबर टू, विक्रम वेधा एक्शन सस्पेंस ड्रामा 2017। नंबर थ्री, विक्रम एक्शन ड्रामा मूवी 2022। नंबर फोर, फर्जी। यह क्राइम थ्रिलर सीरीज है, 2023 में आई थी अमेजॉन प्राइम पर। देखा है या फिर देखने के बाद बताइए इनमें से कौन सा मूवी आपका सबसे फेवरेट है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, जय सिनेमा।